श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। जो प्रदोष गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद आसानी से मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा को बहुत जल्द पूरा कर सकता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। निसंतान दंपति गुरु प्रदोष का व्रत करके इस उत्तम संतान का वरदान पा सकते हैं। गुरु प्रदोष व्रत करके जीवन की कठिन से कठिन समस्या को सुलझाया जा सकता है। इसके साथ ही गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रुओं का नाश होता है, साथ ही सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए जानते हैं आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी गुरु प्रदोष व्रत की तिथि क्या है, प्रदोष काल का समय क्या है, पूजन विधि क्या है और क्या है महत्व तथा कथा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रदोष व्रत की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। गुरु प्रदोष 2 जुलाई 2020 दिन गुरुवार को है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 2 जुलाई को दोपहर 3:16 पर और समाप्ति होगी 3 जुलाई को दोपहर 1:16 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा 2 जुलाई 2020 दिन गुरुवार को शाम के 7:23 से 9:24 तक। कुल अवधि रहेगी प्रदोष काल की 2 घंटे 1 मिनट की। चलिए जानते हैं क्या है गुरु प्रदोष की पूजन विधि। प्रदोष व्रत के पूजन विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव को ध्यान कर व्रत का संकल्प ले। उसके बाद आप दिन भर निराहार रहे। सूर्यास्त को स्नान के बाद मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करें। पूजा घर में उत्तर पूर्व की दिशा में बैठकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। भगवान शंकर को श्वेत पुष्प, अक्षत, भांग, धतूरा, सफ़ेद चंदन, गाय का दूध, धूप आदि अर्पित करें। गंगा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। फिर शिव चालीसा का पाठ कर अंत में आरती करें और परिजनों को प्रसाद दें। चलिए जानते हैं कि गुरु प्रदोष की क्या है पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, जब एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुए। असुरी माया से उनके विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तेजस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वो चित्रग्रत नाम का राजा था। एक बार वो अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उत्साहपूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतः मैं तुझे वो शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। माता के श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। बोलो भोलेनाथ की जय। तो ये थी प्रदोष व्रत की कथा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।